सो है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ऊपर तो सारे जिंदा हो गए, मैं भी ठीक करते हैं नए दिन की शुरुआत आप सबके साथ। एंड आज जम्मू का क्लाइमेट बहुत ही रोमांटिक हो रहा है एंड बादल चलते हुए देख रहा हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ पहले फिर करते हैं बात। ध्यान से नोटिस करना, जहाँ मंदिर के आगे देखना बादल ना वहाँ चल रहे हैं, ध्यान से नोटिस करना देना, ये आगे चले जाएगा। देख रहो तो बादल चल रहे हैं। ओ भाई साहब क्या ही नजारा दिख रहा है भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, व्हाट इज द व्यू। आई थिंक क्या मतलब होने ही वाला है, तूफान चलने वाला है। यहाँ तो बारिश पड़ेगी बहुत ज्यादा, यहाँ तो तूफान ले जाएगा सारा बदल। अभी तक तो बारिश पड़ नहीं रही है, अभी मैंने चिकन लेने जाना, बादल चलते हुए इतने अच्छा लग रहा था, पता नहीं कैमरे में आपको दिखाओ तो साफ से चलते हुए नहीं, बट बहुत ही प्यारे लग रहे हैं चलते हुए। चिकन लेकर आता हूँ। ओके आज वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट उठा, संडे था ना, संडे को हमेशा मैं लेट उठता हूँ एंड एक हैवी मील खाने के बाद मैं फिर से सो जाता हूँ दोपहर को। तो मैं सोचा, मैंने बोला हुआ कुछ ना कुछ तो डालूंगा यूट्यूब पे, तो स्टार्ट कर चलते हैं आज का दिन। एंड बस अभी क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट किया हुआ और कुछ मैंने शेक भी नहीं पिया, लाइट ही बंद हो गई, तो शेक कहाँ से बनाऊँगा मैं, है ना। मेरे को ना पता क्या आता है, मैं ना फ्रंट कैमरे से बनाता हूँ ना वीडियो का, तो मेरा क्या बोलते हैं फोन का फ्रंट भी अच्छा है तो मैं फ्रंट ही पकड़ लेता हूँ, बैक दोनों अच्छे हैं टचवुड। तो देखना उधर होता है जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा होगा मैं अभी आपको पता कैसा लग रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिर मैं इधर देखूंगा ना, ये तो अपनी शक्ल दिख जाती है, फिर आपको लग रहा है कि मैं उधर देख रहा हूँ, बट अब मैं फोकस इधर रखूँगा कैमरे पर, मेरे को नहीं देखा कैसे कैसी शक्ल दिख रही है कैसे नहीं। वही सब चलते चिकन लेना, ठीक है। किस वक्त इतनी कुत्ती चल रही है ना, जस्ट अभी घर से निकला और बारिश देखो, जस्ट अभी निकला हूँ जस्ट, अभी मैं देख रहा था कि बारिश पड़ेगी नहीं पड़ेगी, जस्ट देखो अभी जस्ट निकला हूँ घर से, मैं चिकन लेने जा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं बड़ी बेहतर दुनिया। चिकन मैंने ले लिया एंड बारिश पड़ रही है, अब आपको दिखाता हूँ थोड़ा ब्राइटनेस लो करके। एंड बस मैं घर से क्या बोलते हैं लगा के, अभी पता क्या है मेरे को पता था बारिश पड़ने की पड़ेगी, एक टाइप से निक्कर हिक्कर ही लगा के आया हूँ मैं, तो इतना कोई सीन नहीं होगा, बस बाइक मोड़नी है मेरे को, तो मैं फ़ोन रखा हूँ बाइक में आप, क्योंकि मेरे निक्कर में तो जगह ही नहीं है, कहाँ डालूँगा। तो गाइस बाल का होना तो सत्यानाश हो गया एंड आज का दिन कुछ है नहीं। देखो हमारे मोहल्ले में ना बड़ी कम बारिश पड़ रही है, और ये हमारी माता श्री जो कि आज हमें खाना नहीं देती आजकल टाइम पे, और ना कि हमें आजकल टाइम पे खाना नहीं मिलता आजकल हमें, हमारा क्या बोलते हैं मोहल्ला एडवांस हो रहा है। देखो पहले यहाँ एक खाली प्लाट होता था, अब यहाँ पे शायद घर बन रहा है, आई डोंट नो क्या बन रहा है। कैसे इग्नोर मारना मेरी मम्मी की इंग्लिश को, ये स्मार्ट सिटी बन रही है क्या? भाई मल्ला बन रहा है, इसको बोलते हैं मल्ला, कितना गोरा लग रहा हूँ। चली कुंडी, मैं वैसे भी मैंने तो ऐसे छोड़ के आया हूँ। तो गाइस अभी कोई 4 बज रहे हैं एंड मौसम बाहर का थोड़ा ठीक हो गया, मतलब हवा चल रही है ठंडी ठंडी एंड मतलब बारिश बारिश तो नहीं पड़ रही है, बदल उड़ गया सारा। एंड अब जस्ट मैंने 4 बजे जाके शेक पिया हुआ अपना एंड मुझे अब लग रही है नींद, क्योंकि ऑब्वियस बात है मेरे को नींद लगती है, और संडे का दिन है वैसे भी रेस्ट करनी होती है। और मैं अभी मैसेज देख रहा था YouTube की जो मैंने वीडियो डालती है मसल बिल्डिंग शेक के बारे में, तो एक बंदे ने मैसेज किया हुआ कि अपनी एपेटाइट कैसे बढ़ाएं। भाई एपेटाइट ऐसे तो नहीं है कि अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया ना कि जितना शेक अगर ये शेक पियोगे तो ऑब्वियस बात है यहाँ तो आपको 2 बार बाथरूम जाना पड़ेगा या तो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ट्राई करना एपेटाइट हमेशा, देखो किसी भी चीज़ को अगर आपने क्या बोलते हैं अडॉप्ट करना है तो उसको ना स्टेप बाय स्टेप अडॉप्ट करोगे ना तो ही जाके अडॉप्ट होगी। सीधे तो आप ऐसे नहीं बोल सकते जितना मैं शेक पीता हूँ तो 2000 कैलोरी मिलती है, तो 2000 तो किसी किसी का गोल होता है एक दिन में खाने का, तो वो भी देखो मैंने आपको देखो तभी मैंने आपको बोला था कि इधर सब साइड पर कैलरी आ रही होगी, तो 2000 कैलरी ना बंदों का एम, बंदा किसी किसी बंदों से 2000 कैलरी खाई नहीं जाती, मेरे उस शेक में मिल रही है मेरे को, तो मैं और भी खाना खा रहा हूँ दिन का।
तो स्टेप बाय स्टेप अपडेट बढ़ाओ। और मैंने आपको तभी बोलता हूँ कि लीवर लीवर के लिए अपने लीवर का ध्यान रखो। लीवर के लिए क्या बोलते हैं कि यहाँ तो लीवर सप्लीमेंट वाली शॉप से लीवर क्लेंजर ले लो या लीवर 52 जरूर रखो, क्योंकि लीवर पे लोड आएगा ना तो आपसे खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। देखो दो चीज़ें मेन मैटर करती है, लीवर और किडनी। ठीक है, पानी ज़्यादा पियोगे किडनी फ्रेश रहेगी। लीवर पर लोड तब आता है जब आप ज़्यादा एक्सेस में खाना खा रहे हो और वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो लीवर पर लोड आता है, तो इसलिए हमारी एपेटाइट स्लो हो जाती है। तो पानी बहुत ही जरूरी है दिन में पीना, और लीवर को सेफ रखना बहुत जरूरी है। तभी मैं आपको मैं दो वीडियो में इसी मैंने तभी उसी में क्लियर कर दिया था कि लीवर की क्या बोलते हैं, लीवर 52 जरूर रखना। तो वही है भाई जो एपेटाइट आपको बढ़ाएगा, कि दिन में एक लीवर 52 तो खाना ही खाना, एंड एपेटाइट स्टेप बाई स्टेप बढ़ेगा। जहाँ आप दो रोटियां खा रहे हो, अब आप बोलोगे नहीं मैं एकदम बल्क स्टार्ट करूंगा या गेनिंग स्टार्ट करूंगा, मैं एक ही दिन की 10-10 खाऊंगा, वो नहीं, आपको डाइजेस्ट होगा, वो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। जहाँ आप दो खा रहे हो वहाँ चार पे आओगे, तो फिर भी थोड़ा आपको गट में थोड़ा इशू होगा, पर फिर भी वो अडॉप्ट कर लेगा ये आपकी बॉडी। तो बस यही था। और दूसरे भाई ने बोला हुआ है कि ये क्या बोलते हैं वेइंग मशीन आपकी कौन सी है, तो ये डॉक्टर तो नहीं ट्रस्ट, डॉक्टर ट्रस्ट की है। ये मैंने कहा से कोई 2.5 साल पहले की ली थी और अभी तक सही चल रही है, और होप आगे भी चले, नहीं तो अगर खराब हो जाएगी तो ले आऊंगा मैं। और मतलब मेरे को नींद आ रही है, मैं लगा सोने का। हेलो कौन दिख रहा है, सुनना। हेलो एक्सक्यूज मी, कौन दिख रहा है आपको? ओए google.com, google, ये देखना सुन मेरी बात, ये देख डुम्बर, ये ले इसको पकड़ पकड़ इसको। गाइस आज संडे, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। ठीक है, बहुत सारे बंदे ऐसे डाउट रखते हैं ना कि यार ये क्या बोलते हैं, जस्ट मतलब मेरे ना ये टॉपिक छेड़ना नहीं था, छेड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि बड़े सारे बंदों का ऐसे मिथ है, मतलब मिथ में रहते हैं, मतलब दिमाग से मोटी बुद्धि के होते हैं ना। तो देखो मैं कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन की प्रेप। ठीक है, मैं जितना भी हूँ छोटा मोटा ही सही, पर एक एथलीट हूँ। ठीक है ना, मैं बॉडी बिल्डिंग खेलता हूँ, गेम बॉडी बिल्डिंग गेम के अंदर हूँ मैं। ठीक है, एंड मैं अगर उसकी प्रेप कर रहा हूँ ना, तो लॉट्स ऑफ पीपल मतलब मेरे जो फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, कि यार ये पता नहीं क्या खा रहा है, पहली बात क्या खा रहा है यार, ये इतना कुछ खा रहा है, इतने डब्बे खा रहा है, दूसरी बात डब्बे वाली बात, तीसरी बात यार ये कुछ इंजेक्ट कर रहा होगा, वो इंजेक्ट कर रहा होगा, ये इंजेक्शन लगा रहा है। तो गाइज मैं पता क्या चक्कर है, आजकल के बंदे को ये नहीं पता कि डाइट में क्या खा रहा है बंदा, बंदा कितना स्ट्रगल दे रहा है अपने पीछे। भाई 4 बजे जिम जाता हूँ, 4 बजे से क्या बोलते हैं 4, 8, 8:30 तक तो मैक्सिमम लगते हैं। ठीक है, एंड पहली बात ये हो गया कि मतलब वो किसी को नहीं दिखेगा। देखो आपकी स्ट्रगल किसी को नहीं दिखेगी, बंदों को नॉलेज इन सब की हो नहीं हो, बंदे को जज करके सीधे बोलेंगे यार ये वो है, ये वो है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, मतलब खुद भी पता नहीं क्या समझते अपने आप, कौन से कोच। मैं आपको बताता हूँ, चलो टॉपिक छेड़ना नहीं था मैंने सुनने में थोड़ी बातें आई, तो मैंने गुस्से में चल कर देखेगा वीडियो तो देख लेगा। तो बंदों को अगर नॉलेज नहीं ना होगी कि आजकल सबको पता है कि क्या लगाते हैं क्या नहीं, ठीक है, ये पता है वो पता है बंदों को, पर ये वाली नॉलेज होगी कि क्या लगाने के, पर अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं कुछ मेडिसिन बताता हूँ, जैसे समझ लो जैसे ये होगी इवियन, ज़्यादातर बंदों को ये नहीं पता होगा। ठीक है, ये होती किसके लिए है, ठीक है, इवियन होगी, मैं बताता हूँ। लीवर DS नहीं पता होगा, फिर लीवर 52 का क्या काम है, बस सुनने में आया होगा, ये पता होगा कि ये लगाना है वो लगाना है, ये इससे गेन होता है, इससे अपनी बॉडी को नहीं फिट करोगे। ठीक है, ये इसके बारे में भी किसी को नहीं पता होगा, न्यूरोबिन के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें होगी, मेरे कहने का ये मतलब है, ये विटामिन D3 प्लस कैल्शियम, बातें करनी है बड़ी बड़ी। देखो मल्टी विटामिन सुप्रेटिन के बारे में भी नहीं पता होगा, चक्कर ये कि ये वाली नॉलेज नहीं होगी कि अपनी बॉडी के लिए कि जो जो उनको सूट करे। देखो ये सारी मेडिसिन इसलिए है, ये आपकी ब्लड फ्लो को प्रॉपर रखती है। ठीक है ना, पहली बात ये तो मल्टीविटामिन की डोज पूरी करती है, ये आपकी बोन के लिए D3 पर कैल्शियम। ठीक है, ये आपकी स्किन और हेयर के लिए नॉर्मल गदो सुन लो, ये लीवर के लिए, ठीक है, किडनी के लिए नारियल पानी पी लिया करो। तो इसकी नॉलेज रखो सालो, इसकी नॉलेज रखो। ठीक है, ये इधर उधर की ज्ञान चौधरी से कुछ नहीं होगा कि बंदा उस पे है, बंदा उस पे है, बंदा एक गेम खेल रहा है, कसम से हंसी आ रही बोलते बोलते। तो बाय द वे घर वाले अभी गए हैं हॉस्पिटल, मेरे इधर सरवाल गए हैं, मेरे भैया भी नहीं, भैया की मम्मी की मतलब क्या बोलते तबीयत खराब थी, तो भैया ने भी बताया भी नहीं, तो घर वाले बोलते अभी हम जा रहे हैं फिर तेरे को साथ लेके चलेंगे। मैं चलो ठीक है अभी आप चले जाओ, क्योंकि खुशी गई थी अपनी फ्रेंड के घर पे, तो बोलते घर पे अकेला थोड़ी छोड़ना यार, ऊपर से ये भी होता है ना, ये भी होता है ना, ओए तू कौन सी दवाई खाता है, तू खाते कोई दवाई? गाइस आपको पता है मैं, अब मेरे को बताओ ये मेरा हेवन है। ठीक है, ऐसे नहीं पंगे नहीं यार, पंगे नहीं, सुन बात सुन ना, बात करते हैं, ये तक लीवर 52 खाता है, ये तक लीवर 52 खाता है, तो गधा खुद भी खाया करो, इसका तक लीवर तक का ध्यान रखा होता है। गुगु मेरा, गुगु मेरा, ये मेरा गुगु है भाई, गुगु मेरा,
भाई कैल्शियम भी खाता है तो आप भी खाया करो, कुत्तों वाला तो नहीं सही पर इंसानों वाला ही जरूर खाया करो। तो अब मेरे को चिकन बनाना है, तो टाइम लैप्स लगाऊं या नहीं लगाऊं आई डोंट नो। तो गाइस सीन ये है कि पहले मैंने सोचा कि क्या बोलते टाइम लैप्स लगाता हूँ, फिर देखा किचन की हालत बहुत ही मतलब समझ रहे हो ना, तो फिर मैंने बोला इधर पहले किचन साफ करनी पड़ेगी, पर मेरा इतना मन नहीं था किचन साफ करने का, फिर मैंने बोला जल्द चिकन ही बनाते हैं। तो चिकन में मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे बनाता हूँ कैसे नहीं। तो बस गिने चुने दिन रह गए गेने के, फिर बॉयल पर आना है हमने, ठीक है? तो तब तक थोड़ा दिखाता हूँ, आ जाओ। तो ये हमारा हो रहा है, क्या बोलते हैं, प्याज को तड़का लगा जा रहा है, जो भी बोलते हैं, भुना जा रहा है। तो ये अच्छी तरह से भुन गया, ठीक है? एंड अब हम इसमें डालेंगे ये रंगदार मिर्च, ठीक है? रंगदार मिर्च डालेंगे कितनी होगी, ठीक है? इसके बाद हम डालेंगे हल्दी, देख लेना पहले प्याज को भुनना है, हल्दी इज़ वेरी यूजफुल ग्रो प्रो। देन अब थोड़ी मिर्च वाली भी डाल देंगे, जिससे थोड़ी मिर्च हो, ठीक है? एंड गाइस ये चीज़ें मैंने काट के रख दी है, एंड चिकन धो लिया उसी से, मैंने इसको मिक्स करना है पहले, फिर चिकन डालना है, फिर उसके बाद टमाटर डालने, वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस कुछ ऐसे होता है रेड़ा शेड़ा मारने के बाद, ठीक है? अभी मैंने नमक शमक कुछ भी नहीं डाला है, एंड प्याज हम देख लो अच्छी तरह से मैंने पूरा भुन दिया था, एंड यही जो मसाला डाला है, एंड अब हम इसके बाद डालेंगे सीधा ये, फिर उसके बाद हम नमक डालेंगे, ठीक है? तो गाइस आज करण किचन में आपका स्वागत है, एंड अब पता नहीं कैसे डलेगा सारा एक साथ बाहर। ओ गिर गया एक बार, शिट, कोई पकड़ने वाला नहीं है, घर वाले अंदर है। एंड करण किचन में आपका स्वागत है, इसको ही मिक्स करके मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है? मिर्ची वाला बनाता हूँ, मैंने ग्रेवी वाला बनाना है, तरी वाला नहीं बनाना। कुछ ऐसा बनाया अब, ठीक है? मैंने सब कुछ डाल दिया, एंड गैस मेरी अभी फुल है, एंड बस मैं इसको ढक दूंगा इससे, बस फिर ग्रेवी खुद ही छोड़ देगा। तो मैं हेवन को लेकर जा रहा हूँ वॉक पे। माई ब्रो चलो, चल हेवन लेट्स गो, चलो चल आ जा, चले। No.